जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से ही माना जाता है, जो इस साल 25 अक्टूबर को है। इस दिन हम उन चीज़ों की खरीदारी करते हैं जो हमारे परिवार के लिए शुभ और सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाली हो। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु आपके लिए शुभ होगी और कौन सी वस्तु आपको नहीं खरीदनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए। सोने या चांदी के सिक्के। धनतेरस के दिन सोने या चांदी के सिक्के खरीदें। उस पर माता लक्ष्मी और गणेश जी का चित्र बना होना चाहिए। इस सिक्के का दिवाली के दिन विधि पूर्वक पूजा करें और अपनी तिजोरी में रख दें। यह आपके धन संपत्ति के लिए शुभ होता है। गोमती चक्र। धनतेरस के दिन आप गेरा गोमती चक्र खरीद सकते हैं। यह परिजनों की सेहत और समृद्धि को बढ़ाता है। दिवाली के दिन इनका पूजन करें और पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी आदि में रख दें। यह शुभकारी होता है। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए धनतेरस को ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद लेनी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को तिजोरी आदि में रख दें। पीतल के बर्तन। धनतेरस के दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा होती है। उनकी प्रिय धातु पीतल है, इस वजह से धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। झाड़ू। कहा जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जब हम झाड़ू से घर की सफाई करते हैं तो उससे घर की नकारात्मकता बाहर हो जाती है, इसलिए इसका महत्व अधिक है।